जय माता दी। दोस्तों, माता रानी के सभी भक्तों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। दोस्तों, माता रानी का जयकारा लगाते रहे, साथ में वीडियो का अच्छा लगे तो लाइक जरूर से कीजिएगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे करवा चौथ से जुड़ी वो सावधानियां जिन्हें हमें बिल्कुल से ध्यान रखना है, उन गलतियों को हमें भूल कर भी नहीं करना है। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिला के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, इसलिए दोस्तों इस व्रत को सावधानी से करना चाहिए, पूरे नियम से करना चाहिए। तो इसलिए दोस्तों सबसे पहली और जरूरी बात तो यह है कि इस व्रत को सिर्फ शादीशुदा महिलाओं को ही करना चाहिए। दोस्तों, कुंवारी लड़कियां कभी कभी इच्छित वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती तो उन्हें नहीं करना चाहिए। हाँ, सगाई की भी लड़कियां अगर व्रत करना चाहती तो पूरे नियम का पालन करते हुए उन्हें ये व्रत जो है वो करना चाहिए, लेकिन ये कंपल्सरी नहीं होता है। ये कंपल्सरी सिर्फ उन्हीं के लिए जिनकी शादी हो चुकी है। और साथ ही दोस्तों, इस दिन व्रत के नियमों का पालन करते हुए ही इस व्रत को करना चाहिए। दोस्तों, सिर्फ अपने मनवांछित वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को नहीं करना चाहिए। साथ दोस्तों, इस दिन स्पेशली काले रंग के कपड़े जो हों बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए। काले, नीले रंग के कपड़े और सफ़ेद रंग के कपड़ों को इस दिन अवॉइड करना चाहिए। इस दिन लाल रंग के कपड़े या इसके जगह आप अगर लाल रंग नहीं पहन सकते, कोई प्रॉब्लम हो तो आप येलो, ऑरेंज या पिंक कलर की साड़ी भी पहन सकते हैं, इन्हें भी शुभ माना गया है, लेकिन काले रंग को, अशुभ रंगों को आपने बिल्कुल से अवॉइड करना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि दोस्तों, यह व्रत सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक होता है। इसे दोस्तों अगर आपने कुछ खाना है, जैसे बहुत से जगह पे होता है कि माँ जो सासू माँ होती है वो सरगी बेचती है या सरगी बना कर देती है, तो वो सरगी जो है वो आपने सूर्योदय के पहले ही खा लेनी है। जैसे ही सूर्य की पहली किरण पृथ्वी पर पहुँचती, उसके बाद में आपने कुछ भी नहीं खाना चाहिए। बहुत से जन दोस्तों लिक्विड लेकर ही व्रत करते हैं और बहुत से जन निर्जल बिल्कुल बिना पानी के करते हैं। आप चाहें तो लिक्विड ले सकते हैं, फ्रूट जूस वगैरह लेकर वे व्रत कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इस व्रत में कुछ भी खाना नहीं चाहिए, इसका आपने ध्यान रखना है। और चंद्र उदय होने के थोड़े समय में ही आपने चंद्रमा की पूजा करके व्रत को खोल लेना चाहिए। दोस्तों, बहुत समय तक देर करके 10 बजे 11 बजे फ्री होके बहुत से लोग बिजी रहते हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंग टाइम से वो चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं, तो ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। आपने चंद्रमा उदय होने के आधा से घंटे के अंदर अंदर ही आपने अर्घ्य दे देना चाहिए। अगली चीज़ इसका आपने ख्याल रखना दोस्तों ये है कि व्रत की पूजन सामग्री आप में आपने चलनी जरूर से रख लेनी है। दोस्तों, चलनी हर साल नहीं की आपने ज़रूरत नहीं है, जो चलनी आप यूज़ कर रहे हैं उसी से आपने चांद को देख लेना है। दोस्तों, एक्चुअली इसके पीछे रीज़न ये होता है कि चंद्रमा को सीधे नहीं देखना चाहिए, उसे कलंक लगता है, इसीलिए चलनी का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए आपने पूजा की थाली में जो चलनी को जरूर से रख लेना है। दोस्तों, अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप व्रत का पारण करते हैं, यानी कि व्रत खोलते हैं, तो उस व्रत के भोजन में लहसुन प्याज का इस्तेमाल भूल कर भी ना करें। दोस्तों, इस व्रत में आप जो मर्जी खोलने के बाद कुछ भी खा सकते हैं। सबसे पहले जब व्रत खोलते हैं, अर्घ्य देने के बाद अपने पति के हाथ से आप पानी पीकर इस व्रत को खोलें, लेकिन उसके बाद में आप फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स कुछ खा के या खाना खा कर इस व्रत को खोल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यही है कि इसमें जब भोजन आप बनाते हैं, हलवा, पूरी, इसके अलावा और भी जो आइटम आप बना सकते हैं, तो उनमें आपने लहसुन प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। इस चीज़ का ख्याल रखना है। दोस्तों, पूरे भक्ति भाव से, मन से आपने इस व्रत को करना है, इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। साथ ही दोस्तों, इस व्रत को करके बहुत से लोग दिन में जो है जो किटी पार्टीज करते हैं, जुआ खेलते हैं, कार्ड्स खेलते हैं, तो ऐसे काम में अपना समय व्यतीत ना करें। दोस्तों, अगर आपने व्रत किया है तो भगवान का नाम लेते हुए आपने इस व्रत को करना चाहिए। अपने घर के किसी काम को करते हुए आपने टाइम स्पेंड कर लेना। दोस्तों, दिवाली का समय है, पास में होता है, आप सफाई करते हुए अपना समय निकाल सकते हैं, लेकिन दोस्तों व्रत के काम में इस दिन को आपने व्यर्थ नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, देखते रहिए, शेयर करते रहिए और दोस्तों कमेंट में माता रानी का जयकारा जरूर से लगाएं। जय माता दी।